रामनवमी पर अयोध्या में रामलला का हुआ दिव्य अभिषेक, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। आज दिन में भगवान श्री राम का सूर्य तिलक भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में फिर करेंगे रैलियां। 6 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 4 रैलियां प्रस्तावित। 19 अप्रैल को अमरोहा, 22 अप्रैल को अलीगढ़ हाथरस और 25 अप्रैल को आगरा फतेहपुर सीकरी के लिए संयुक्त रैली करेंगे। वहीं 26 अप्रैल को बरेली में रोड शो भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा की और रामनवमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में हवन पूजन भी किया। अयोध्या में रामनवमी पर आज 3 मिनट तक होगा रामलला का सूर्य तिलक। सभी तैयारियां पूरी। राम मंदिर में लगाए गए उपकरण, आज 12 बजे सूर्य तिलक ऑटो मैकेनिकल सिस्टम के लिए उपकरण लगाए गए। वहीं 75 मिलीमीटर का होगा गोलाकार सूर्य अभिषेक। 4 मिनट तक किरणें रामलला के मुख पर प्रकाशित करेंगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र का दौरा। आज गौरीगंज मुसाफिर खाना और तिलोई पहुंचेंगी। राम जानकी मंदिर पर पहुंचकर करेंगे दर्शन पूजन। वहीं ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच के कार्यक्रम में भी लेंगे हिस्सा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का उन्नाव दौरा। आज बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को करेंगे संबोधित। आज सुबह 11 बजे कुशहरी देवी मंदिर रोड पर करेंगे सम्मेलन। गाजियाबाद में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने रामनवमी की देशवासियों को दी शुभकामनाएं और कहा, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश, बेरोजगारी महंगाई देश का सबसे बड़ा मुद्दा, ये विचारधारा का चुनाव है। आज सुबह 9:30 बजे सरसराय एयरपोर्ट पर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। सहारनपुर में करेंगे रोड शो। प्रत्याशी इमरान मसूद के समर्थन में रोड शो करेंगी प्रियंका गांधी। रोड शो के बाद सभा को भी संबोधित करेंगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नगीना दौरा। आज नगीना प्रत्याशी मनोज कुमार के लिए करेंगे जनसभा। आप सांसद संजय सिंह भी नगीना में रहेंगे मौजूद। 1:10 पर नगीना में अखिलेश यादव करेंगे जनसभा। पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी ने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। वो पिछली योगी सरकार में मंत्री थे। विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी में चले गए थे, चुनाव हार गए थे। आज वो देर शाम उनको सामान्य तरीके से बीजेपी में वापस लिया गया। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले।